रुद्राक्ष स्त्रियों को धारण करना चाहिए या नहीं, शास्त्र हमारा क्या कहता है इस बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। साथ ही साथ आप में ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो, तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं, स्त्रियों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं। शास्त्रानुसार साध्वी स्त्री को रुद्राक्ष धारण करने का पूरा पूरा अधिकार है, जिस प्रकार से एक पुरुष को है। आज पुरुष पर भी उतनी ही ईश्वर की कृपा रहती है जितनी एक स्त्री पर, फिर ये मतभेद क्यों? इसलिए स्त्रियां भी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। शर्त केवल यह है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, अपने से अलग कर देना चाहिए। इतना ध्यान रखें, स्त्रियां भी रुद्राक्ष ब्रासलेट के रूप में धारण कर सकती हैं, गले में भी पहन सकती हैं, क्योंकि ईश्वर तो सबका है। स्त्रियों को, साध्वी स्त्रियों को रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार पहले से ही प्राप्त है, इसलिए शुद्ध अवस्था में स्त्रियां रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।